नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 और वाईटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। तो ये कैसी खुशखबरी है भाई, यहाँ पे जरा हमें भी बता दीजिए। बहुत सारे यूट्यूब पे बोल रहे हैं कि खुशखबरी आ गई है, नई रणनीति बना लीजिए। कैसी रणनीति बनाए, आप खुद ही उठकर बता दीजिए कि आप कैसी तैयारी अब करवाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे आप लोग, जल्दी बताइएगा। क्योंकि देखिए, समय सरकार एक साल ले लिया है आपका, ठीक है। मैं आपको बात कर रहा हूं यहाँ पे 2213 पद की बहाली को लेकर। कल रात को 11:23 पर एक न्यूज अपडेट आता है हिंदुस्तान खबर से, इस बहाली की प्रक्रिया को, जिसको कि लगभग 6.25 लाख छात्र जो है फॉर्म भरे हुए हैं, इस बहाली की प्रक्रिया अब सितंबर में ना होकर 5 दिसंबर को होगी। 5 दिसंबर को इसकी बहाली की प्रक्रिया होगी सन 2021 में। आयोग को इसके ऊपर प्रति जवाब भी देना चाहिए कि ऐसा न्यूज क्यों छाप रहे हो। अगर ये फर्जी न्यूज है, उनको अगर उनके पास न्यूज नहीं है हिंदुस्तान खबर वालों के पास, तो क्या आयोग को उठकर नहीं आना चाहिए? आयोग को यहाँ पे बताना नहीं चाहिए ऑफिशियल अपडेट देकर कि यहाँ पे आपका जो ये एग्जाम है 5 दिसंबर को नहीं 5 सितंबर को ही हो जाएगा? तो क्यों नहीं आयोग उठकर आ रहा है? और साथ में कुछ यूट्यूब चैनल पे बोल रहा है कि ये खुशखबरी है, नई रणनीति तैयारी करो। आप तैयारी करवा रहे हैं यहाँ पे? जो लोग तैयारी करवा रहा है वो समझ सकता है इस चीज को। क्यों? क्योंकि वो एक छात्र का, छात्र के प्रति छात्र से लगाव और छात्र से जुड़ा हुआ है। उस छात्र की मैं बात कर रहा हूं जिसके पास आज पॉकेट में 1000 रुपया नहीं है और वो 5000 का फीस जमा करके पटना में पढ़ रहा है। उस छात्र की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, कि उसको तुमने 2020 में फॉर्म निकाला, 2021 पूरा का पूरा एक साल ले लिया यहां पे, अगस्त का, अगस्त से अगस्त एक साल आपका हो चुका है। जब वो एग्जाम देने जाता, मान लीजिए अगस्त में फॉर्म निकला था, तब जनवरी फरवरी मार्च तक इसका एग्जाम ले लेना था। लेकिन चलिए मानते हैं, सपोर्ट करते हैं आप लोगों को कि महामारी था, कोविड के चलते एग्जाम नहीं ले सके, कोई इशू नहीं है, सबके साथ दिक्कत थी। उसके बाद आप लोगों ने विधानसभा चुनाव करवा दिया। विधानसभा चुनाव क्यों जरूरी था? यहां पे अभ्यर्थियों का यहां पे भविष्य जरूरी है या फिर चुनाव जरूरी है? चलिए वो भी ठीक किया आप लोगों ने, अपनी बातें रखी, अपना ही सरकार बनाया। बोल के भी आए थे कि आप लोग यहां पे 20 लाख नौकरी देंगे। कितनी नौकरी निकाल रहे हो? सबका फॉर्म निकाल के पैसा रख ले रहे हो बैंक में। 6.25 लाख की बात हुई है ना, 6.25 लाख लोगों को 500 रुपए के हिसाब से गुना कर लीजिएगा, कितना अरबों रुपया इनके पॉकेट में भी पड़ा हुआ है, आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, ब्याज बना रहे ये लोग अपना, कब एग्जाम लेंगे? इनको क्या दिक्कत होगी सेंटर्स की? ये बोल रहे हैं कि पंचायत के चुनाव है, बातों को समझिएगा। मैं किसी के प्रति भड़का नहीं रहा हूं आपको, बस मैं सच्चाई से आपको वाकिफ करवा रहा हूं, ठीक है। पंचायत का चुनाव हो गया, पंचायत का चुनाव शहरों में होता है क्या? बोलिए, पंचायत का चुनाव शहरों में होता है? नहीं ना, तो हमारा सेंटर तो शहर में होता है, हमारा एग्जाम लिया जाए भाई। जितना भी 2213 पद के लिए छात्र आवेदन किया उसका एग्जाम लिया जाए, क्यों विलंबता? ये 5 दिसंबर नया डेट क्यों? एक साल हो चुका है, हमें अगर करेंट अफेयर पढ़ने जाते हैं हम लोग। देखिए, मैं उन सभी यूट्यूबर्स के लिए बोलना चाह रहा हूं जो कि ये बोल रहे कि नई रणनीति बना लीजिए। अगर आप एक साल का करेंट अफेयर पढ़ते हैं, है ना, जैसे कि मान लीजिए कि आपका एग्जाम अगस्त में निकला और आपका जनवरी में एग्जाम ले लिया जाता है यहां पे, तो आपके पढ़ने पढ़ते 2018 और 2019 का करेंट अफेयर पढ़ के चले जाते, काम हो जाता आपका, ठीक है। 2 साल का करेंट अफेयर भी पढ़ लेते तो अब एग्जाम होगा आपका 2 दिसंबर 2021 में, यानी कि समझिए कि 22 हो गया वो। अब आपको पढ़ना पड़ेगा 18, 19, 20, 21, 4 साल का जब करेंट अफेयर पढ़ेंगे तो बाकी सब्जेक्ट कौन पढ़ेगा? बाकी सब्जेक्ट कौन आप पढ़ाएंगे? आप जो बोल रहे रणनीति बनाइए, नई रणनीति तैयार कीजिए, मैं इन छात्रों के साथ एक साल से जुड़ा हुआ हूं, अपने चैनल YT एजुकेशन पे इनके लिए वीडियोस देता हूं, इनके लिए PDF मटेरियल तैयार करता हूं, इनको हर एक रणनीति बताता हूं कि इस तरीके से पढ़िए। समय कम है आप लोगों के पास, 1 महीना है, 2 महीना है, तो सरकार यहां पे उठकर सामने खड़ा हो गया, बोलता है कि आपके पास 6 महीना और है, और पढ़ लीजिए। और उस छात्र के बारे में कभी सोचा है आयोग, कि जो हमारा आयोग है वो कभी ऐसा सोचा है कि उस छात्र का क्या होगा जिसके की पॉकेट में 1 रुपया नहीं रहता है, वो 5-5 हजार रुपया फीस देकर पटना में पढ़ा रहता है? पटना के कुछ टीचर सपोर्ट कर रहे थे भाई, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं नहीं कर रहे थे, वो उठकर बार बार बोल रहे थे कि इसकी एग्जाम की जब बहुत ही जल्दी इसका डेट आने वाला है। कुछ ने बोला भी यहां पे कि 5 सितंबर तक उसका डेट आ जाएगा, एग्जाम ले लिया जाएगा फाइनली। चलिए, अच्छी खबर आ रही थी कि अब 1-2 महीने में एग्जाम हो जाएगा। सभी छात्र सब काम छोड़कर यहां पे पढ़ाई की तैयारी में लगे हुए थे। अब 5 दिसंबर हो गया तो क्या घंटी बजाएं यहां पे बैठ के? क्या पढ़े हम लोग? यही चीजें पढ़ते रहे, बाकी और कोई काम नहीं है, एग्जाम सिर्फ यही है? अरे अदर एग्जाम के लिए भी छात्र आवेदन फॉर्म भरते हैं,
ना कि सिर्फ इसके लिए प्रिपेयर रहते हैं, आप हर एक एग्जाम की स्थिति वही कर दे रहे हैं। बिहार सिपाही का भी वही स्थिति किए हुए हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं दिए हैं 8415 का। सिलेबस का तो आपका कोई आधार रहता नहीं है। सिपाही की बहाली की आप लोगों ने ली थी 8415 की और 11880 की, इसका जो सिलेबस है इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन था सारा का सारा ग्रेजुएट लेवल का था। 12th लेवल का बोलिए, ग्रेजुएट लेवल देते हैं आप लोग, तो सिलेबस का तो कोई आधार है नहीं आप लोगों के पास, चाहे वो CSBC हो, चाहे वो BPSSC हो या BPSC हो। BPSC खुद शर्म होना चाहिए, BPSC एक बड़ा आयोग है, देश भर में इसके नाम होते हैं। 64वीं का एग्जाम कब हुआ, रिजल्ट कब दिया गया, 65वीं अभी तक मेंस चल रहा है, 66वीं का भी मेंस हुआ नहीं है, 67वीं का नोटिफिकेशन जुलाई के अंत में आने वाला था, अभी तक नहीं आया है। वो छात्र सिर्फ इंतजार करें और फॉर्म भरे, और फॉर्म भर के आपके बैंक में भरे, और ये बैंक का ब्याज सरकार खाए, सरकार को कोई हक नहीं बनता है इनके पैसों का, इन गरीब के छात्रों के पैसों का, यहाँ पर बैंक में धर के इसका ब्याज बनाना, इसका एग्जाम लिया जाए जल्द से जल्द, ये आयोग से विनती करेंगे। रिक्वेस्ट है अभी आप लोगों के साथ, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ी है और उठकर आइए, आयोग जो है उठकर आइए कि अगर ये हिंदुस्तान खबर का न्यूज गलत है, अगर ये बार बार ये न्यूज हर पेपर में छापा जा रहा है, चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे प्रभात खबर में हो, तो इसको बोलिए कि नहीं ये डेट गलत है, क्योंकि आयोग का काम है यहाँ पे पहले वो नोटिफिकेशन जारी करना। आप ऑफिशियल अगर जारी करते हैं तो उस पर बहस होती है, उस पर बात होती है, आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पिन करवा देते हैं न्यूज पेपर में डाल के कि इसका एग्जाम अब दिसंबर में होगा। अब जितने भी छात्र हैं वो तो पैनिक हो चुके हैं, उनको उनके दिमाग में कुछ बैठ ही नहीं रहा कि वो अब करे क्या, और यूट्यूब पे सब बोल दे रहे कि नई रणनीति बनाइए। देखिए हो सकता है कि कुछ दिन के बाद वीडियो मैं और लेकर आऊंगा, नई रणनीतियों के साथ मैं लेकर और आऊंगा, तो मुझे भी समय के साथ चलना है, सब समय के साथ चल रहे, तो मुझे भी उसी ढर्रे पे चलना है। मैं सिर्फ आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रोटेस्ट करने के लिए अकेला उतर रहा हूं। मैं प्रोटेस्ट इस बात पे करूंगा जब सारे छात्र इसके लिए आवाज उठाएंगे इस वीडियो को शेयर करके कि इसका एग्जाम सितंबर में ही होना चाहिए, सरकार चुनाव भले स्थगित करे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप गांव में चुनाव करवा रहे हैं, इसका चुनाव गांव में हो सकता है, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। आप पंचायत चुनाव करा रहे हैं, फिर अगली बार मुखिया का, फिर उसके बाद पार्षद का, फिर उसके बाद सरपंच का, सबका अलग अलग आप चुनाव करवा दीजिएगा फिर तो। आप तो कितने दिन तक इंतजार करें हम लोग। उस छात्र के बारे में कभी सोचा है कि ये जिसका आखिरी यहाँ पर चांस है उसका अब 6 महीने के बाद जो अलग फॉर्म आने वाला था, 2000 और नए पद आने वाले थे, जो नई वैकेंसी आने वाली थी, उसका क्या होगा? अब तो वो वैकेंसी नहीं आने वाली है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि 2000 और नई वैकेंसी आ जाएगी अगली बार दिसंबर में, उसका क्या होगा? वो अब कैसे आएगा जब तक यही एग्जाम खत्म नहीं होगा? क्योंकि अभी 2213 का देखिए, पीटी होगा, मेंस होगा, पीईटी होगा, इसको करते करते ना पूरा 2022 आपका खाएगा। एक साल प्रक्रिया में लगता है, जैसे कि 2446 का लगा है, उसी तरह 2213 का भी लगेगा, एक साल पूरा कंप्लीट लग जाता है योगदान करते करते। तो ये जो बहाली की प्रक्रिया है जो अगली आने वाली है, ये भूल जाइएगा आप लोग, अगर ये डेट यहां पे रखाया गया है तो। आयोग इसके लिए जवाब दे, और जितने YouTube पे चैनल हैं उन सबको मैं बोलूंगा ये खुशखबरी नहीं है भाई, हाथ जोड़ के विनती है, सपोर्ट कीजिए छात्रों का। छात्र यहां पे रात भर मैसेज किए हैं, रात भर उन लोगों से हमने चर्चा किया इस मैटर पे, क्या कि आप लोग जो है यहां पे कुछ कीजिए सर, हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू? देखो हम लोग सिर्फ न्यूज बना के डाल सकते हैं आप लोग के लिए, जो करना आयोग को करना है, जो करना सरकार को करना है। आपने ऐसी सरकार चुनी है यहाँ पर कि वो सरकार 20 लाख का नौकरी का वादा करके यहाँ पे आप लोगों को 2000 की नौकरी का भी सिस्टम क्लियर नहीं कर पा रहा है। 20 लाख नौकरी का वादा किया था ना नीतीश कुमार जी की सरकार ने, अब यहाँ पे वो 2000 की नौकरी भी नहीं करवा पा रहा है। उसके लिए चुनाव इंपॉर्टेंट है, विधानसभा चुनाव हुआ, अब पंचायत चुनाव होगा, अगली बार कोई कॉलेज का चुनाव होगा, उसके लिए भी स्थगित कर देगा लोग एग्जाम, ठीक है? तो इस बात का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये वीडियो हम आपको इसलिए बना रहे हैं कि आपका ध्यान जो भटके नहीं अपने अपने पढ़ाई से, आपको भले कितना डिस्टर्ब किया जाए यहाँ पे बहुत ही त्रुटियां लाई जाएंगी इस आयोग के जरिए, अपनी तैयारी में आप लगे रहिएगा, लेकिन हार मत मानिएगा। हो सकता है कि यहाँ पे ये निराश करेगा आपको, डेट बढ़ाकर 6 महीना समय और देगा आपको यहाँ पे, लेकिन निराश नहीं होना है आपको। जिसका अंतिम समय है, जो अंतिम बार एग्जाम दे रहे हैं, मैं उनके लिए खासकर बोलना चाहूंगा कि एक आखिरी प्रयास और अंतिम प्रयास जरूर कीजिएगा और जोर लगा के कीजिएगा, क्योंकि सरकार को हराना है यहाँ पे आपको। ये कितना भी आपको तोड़ने का प्रयास करेगा आपको नहीं टूटना है, ठीक है? आखिरी आपका चांस है, ये आप सोच के चलिएगा। जो लड़कियां यहाँ पे तैयारी कर रही है, जो छात्राएं हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके की घरों में अब देखिए ग्रेजुएशन होने के बाद उनकी शादियों की बातें होने लगती हैं,
वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो रही हैं क्योंकि उनकी तैयारी कंप्लीट है और 6 महीने लेट। तो वो उनको भी मैं बोलूंगा कि बाबू आप लोग जितने भी हैं आप लोग प्लीज अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करके, अगर ये डेट जाता है आगे तो उस तक आपको पहुंचना है और इसको फाइनली क्रैक करना है, मतलब कि आपको फाइनली नौकरी लेना है यहाँ से, नहीं तो जीवन खत्म है। इसके बाद नौकरी तो ये लोग दे नहीं रहा है, नौकरी की तो बात छोड़ दीजिएगा, आप कहीं के लायक नहीं रहेंगे, बस कहीं ना कहीं पड़े रहेंगे और कहीं घर में तो कहीं व्यापार में कहीं लगे रहेंगे, आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी हार नहीं मानना है, ये मैं कह रहा हूँ, एजुकेशन की 86 और वाईटी एजुकेशन आपको कह रहा है, हार नहीं मानना है। इनको कितना भी प्रताड़ित करने दीजिए, ये सारे के सारे चोर बैठे हुए आयोग, बीपीएससी हो गया या बिहार एसएससी हो गया या कोई भी आयोग है, सब आपका जिंदगी खराब किया है। बिहार एसएससी 7 साल से आपका नौकरी रोक के रखा हुआ था, अब जाके ज्वाइनिंग ले रहा है या फिर जो भी परीक्षा ले रहा है, योगदान अभी नहीं हुआ है। बीपीएससी 64वीं का अब ज्वाइनिंग दिया है, 3 साल किसी एग्जाम की प्रक्रिया में लगता है, 4 साल, उस समय तो कोरोना नहीं था, आप फटाफट एग्जाम लेते, फटाफट ज्वाइनिंग देते। अब बीपीएससी 65वीं 66वीं बचा हुआ, 67वीं का नोटिफिकेशन आने वाला था ना, क्या हुआ उसका, जुलाई में ही आने वाला था, क्या हुआ उसका, कैलेंडर तक जारी नहीं किया आप लोगों ने। धांधली की बात होती है तो ये ना तो कार्बन कॉपी देते हैं आपको, ना ही आपको मार्क्स बताते हैं, जबकि इसके लिए कितना प्रोटेस्ट किया गया, सरकार से कितनी मांग की गई, तो ट्विटर पे भी जाके आपका कुछ नहीं हो रहा है, सड़क पे उतर रहे तो लाठी मार रहे लोग। तो ऐसी सरकार से भैया नमस्ते है, तत्मस्तक करके अगली बार इनको यहां से दूर ही कीजिएगा, क्यों हम लेकर आएंगे ऐसी सरकार को। और मैं ये किसी पॉलिटिशियन की उस पर नहीं बोल रहा हूं कि ये सरकार खराब है या फिर वो अच्छे हैं, वो भी जो भी इनके विपक्ष में है वो भी कहीं ना कहीं उनकी गलतियां रही होंगी इसलिए वो आज बाहर है। तो मैं किसी का पक्ष विपक्ष का बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपके पक्ष की बात कर रहा हूं जो आप छात्र यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद। इसके अलावा मुझे कुछ ज्यादा बोलना नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं उन सभी यूट्यूबर्स को जरूर बोलूंगा कि प्लीज आप लोग सपोर्ट करें यहाँ पर, ना कि ये लिख दें कि यहाँ पे खुशखबरी है, तैयारी कर रहे हैं। कैसी खुशखबरी है ये, एक एक साल यहाँ पे बर्बाद हो रहा है लड़कों का, कितना कितना बर्बाद करवाइएगा आप लोग, रणनीति नहीं, यहाँ पर रण कीजिए, आइए इसके साथ रण कीजिए, सरकार आयोग को यहाँ पे बताइए कि ये छात्र कम नहीं है, 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, 6 लाख से ज्यादा लोगों ने यहाँ पे फॉर्म भरा है और आपको सिलेक्शन मात्र 2000 का लेना है, बाकी क्या करेंगे, बाकी अदर फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं, अभी देखिए होगा क्या, फॉर्म निकाला जाएगा ठीक है किसी भी आयोग के जरिए, बिहार एसएससी का ये भी बोल रहा है कि CGL 3rd का फॉर्म आने वाला है, ये फॉर्म निकालेगा लोग, है ना, मान लीजिए 2000 फॉर्म निकाल दिया या 8000 फॉर्म निकाल दिया, जो भी फॉर्म निकाल दे, फॉर्म का पैसा लेगा लो आपसे, फॉर्म का पैसा लेने के बाद उसके बाद बोलेगा कि कोरोना है, बस बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, इनके पैसा है, कोरोना है ठीक है, ये सारे के सारे स्थगित बैठे रहेंगे मुंह बंद करके, कोई कुछ बोलेगा नहीं, कोरोना है, एग्जाम नहीं हो सकता है और लॉकडाउन है, पैसा भराएगा अभी, जाएगा बैंक में, इन लोगों के पास रखेगा, इसी का भी देख लीजिए, 1 साल से अगर आपके जोड़ लीजिए ना इसको, 6.25 लाख लोगों का अगर 500 रुपये अभी फीस लगा है तो जोड़ लीजिए, आप लोग खुद कैलकुलेट कीजिए, आप लोग अच्छे स्टूडेंट है पढ़े लिखे, खुद कैलकुलेट कीजिए कितना सरकार के पास पैसा है, एक एक साल, दो दो साल, तीन तीन साल से ये पैसे पड़े हुए इन लोगों के पास, हर एक बाली के वही हाल है यहाँ पे। तो इनके भरोसे, इनके ऊपर निर्भर ना रहें ठीक है, आप अपनी तैयारी के साथ साथ कुछ ऐसा करें कि आपकी जो स्किल है वो डेवलप हो, यहाँ पे आपका स्किल डेवलप होगा, आप कभी भी भूखे नहीं मरिएगा ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मुझे यहाँ पे भले ही दो लोग, जो लोग भी को मेरी बातें पसंद नहीं आई हैं वो डिसलाइक करके जाएंगे या 2 गाली लिख कर जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उन 6 लाख की बात कर रहा हूँ, उन 2 लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ ठीक है। तो धन्यवाद, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।